जगह नहीं हो रही ना इसमें। चलो जल्दी मैं जल्दी से लिख लेता हूं उसको। देखो क्या है कि m की वैल्यू आप पुट कर दोगे, w इज इक्वल टू 63.56 m की वैल्यू है, n की वैल्यू 2 थी, f की वैल्यू 96500 थी, i की वैल्यू 1.5 है, t की वैल्यू कितनी है 600 आपने निकाला था, 10 मिनट दिए है ना, 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं ना, तो 10 मिनट में कितने होंगे 60 को, अरे आता है हम बार बार क्यों बताऊं इसको, ठीक है 600 है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो ठीक है। तो अब देखो क्या होगा ना, देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है इसमें, अब ये डिवाइड करना आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर तो क्या कहूं मैं, ठीक है आना चाहिए आपको 96500, नहीं भी आता है तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 15690 होता है 1590 तो ये 900 आएगा, ठीक है बाकी इसको कट करो, ठीक है इस तरीके से कट करके इससे इसको भी कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं इससे इससे कट करो तो कितना आ गया W इज इक्वल टू 3 × 9 डिवाइडेड बाई 965। देखो ये बेसिकली ये कैलकुलेशन है, इसको आप खुद कर लोगे, ठीक है खाली इतना टाइम मैं नहीं लेता हूं, इसको मैं डायरेक्ट इसका आंसर ले लेता हूं। ये आंसर आपका 0.296 ग्राम, 0.296 ग्राम, ठीक है बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना आंसर मैच करने के लिए। तो इतना आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है अगर नहीं भी पता चला वीडियो को बैक करके पीछे से दोबारा देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो अब जो अगला टॉपिक होने वाला है हमारा, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, बाकी न्यूमेरिकल आप जितने भी है ना प्रैक्टिस कर लो, सारे न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किए जा सकते तो आप उनको खुद से प्रैक्टिस करो, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता दो, मैं उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है बैटरीज, ठीक है। तो बैटरीज जनरली क्या होते हैं ना, कमर्शियल बैटरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो दो तरीके के पढ़ेंगे हम, प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर लास्ट पढ़ेंगे हम फ्यूल सेल्स, ठीक है वन बाय वन, काफी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, ठीक है तो इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, तो उसमें मैं बैटरीज के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि मुझे भी अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो जो बैटरीज वाला टॉपिक है वो जस्ट इसके बाद जो न्यू वीडियो बनेगी उसमें मैं बैटरीज के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा।